Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about your children, your future children. How many? And वो जो you know your children, like whoever your child is gonna be, वो जो soul है उसका क्या इस lifetime में काम है, वो क्या वो soul करेगी, like who will be your kids and again how many kids will you have. और ये reading मैं काफ़ी time से करना चाहती थी, but again I didn't really got the time to make this reading, but yeah, इस reading को मैं काफ़ी समय से करना चाहती थी. So this is going to be about your future kids and everything about them. So I'm extremely excited. I'm really excited. Let's get started with the reading. Hello and welcome to this setup. So इस reading में भी हमेशा की तरह आपके पास तीन piles होने वाली है. Pile number one is gonna be of the six of cups. Pile number two is gonna be of six of wheels. Pile number three is gonna be of nine of wheels. तो जो भी card, जो भी scenery आपको इस इन cards में अच्छी लग रही है, जो भी picture आपको अच्छी लग रही है, उस according अपने अपनी pile, आपने अपना card pick करना है. तो इसका स्क्रीनशॉट मैं थोड़ा पास से लगा देती हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. और जो भी कार्ड आप पिक करोगे, यू आर डेस्टाइन टू सी दैट, और यू आर डेस्टाइन टू पिक दैट पाइल एंड लिसन टू दैट पाइल, यू आर डेस्टाइन फॉर इट. तो वो आप ही के लिए रीडिंग होने वाली है. ऑल राइट, सो ये अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट, हेलो पाइल नंबर वन. सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज द सिक्स ऑफ कप्स हेयर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग हेयर. सो सबसे पहले तो हम आपके बारे में यहाँ पर कार्ड्स पुल आउट करेंगे. पाइल नंबर वन के बारे में कुछ अबाउट लाइक चिल्ड्रन. ओके, सो वी हैव सेवन ऑफ पेनिकल्स. ऑल राइट, ये तो बड़ा प्लानिंग के साथ आप चलते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर. देन वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, यू आर अ बिट नर्वस एज वेल. ओके, दैट्स फाइन. फिर यहाँ पर वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, यू आर ऑल्सो लाइक आई वॉन्ट किड्स. ओके, तो यस, यहाँ पर सबसे पहले आई फील दैट जो चिल्ड्रेन है, जो किड्स है, बहुत प्लान करोगे. फर्स्ट यू आर गोना बी लाइक कि आई वॉन्ट टू सेव मनी या आई वॉन्ट टू अर्न मनी, ताकि मैं वो सारी चीज़ें अपने चाइल्ड को दिला सकूँ जो मुझे एज अ चाइल्ड चाहिए थी. जो इट कैन हैपन, पाइल नंबर वन आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आई, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहते इसका क्या, आप इससे थोड़ी देर खेलोगे और फिर बस. बट यू वर लाइक नो, आई वॉन्ट टू रियली प्ले विद दिस. और वो चीज़ आपको बहुत चाहिए थी, और आई थिंक आप अपने लाइफ में वो चीज़ ले भी लोगे व्हेन यू ग्रो अप. जैसे कि लाइक सम पीपल लव PS4 और ऐसी कुछ, मे बी वीडियो गेमिंग की या कुछ ऐसी चीज़ें आपको पसंद हो, या वड़े वो लाइक कि मुझे जो है ये चीज़ एज अ चाइल्ड बहुत अच्छी लगती थी और अब मेरे पास मनी है कि मैं वो खरीद सकता हूँ, पर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ या बड़ी हो चुकी हूँ, बट स्टिल यू विल बाय दैट थिंग एंड यू विल मेक श्योर कि आपके चाइल्ड के पास वो चीज़ें हो जो आपका चाइल्ड चाहता है कि मेरे पास हो. लाइक यू विल मेक श्योर कि उनकी हर वो विश और डिज़ायर पूरी हो जो आप एज अ चाइल्ड चाहते थे कि मेरी हर एक विश और डिज़ायर पूरी हो, मैं वो चीज़ ले पाऊँ, मेरे पेरेंट्स मुझे वो सारी चीज़ें दिलाए जो मैं चाहता हूँ. तो लाइक यू विल मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज़ गेटिंग दोज थिंग्स. आई मीन येस, आप थोड़ा अपने चाइल्ड को स्पॉइल बनाओगे, लाइक यू विल स्पॉइल योर चाइल्ड बाय गिविंग देम सो मेनी गिफ्ट्स, बाय गिविंग देम एक्सपेंसिव थिंग्स,
बट इससे आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो, दैट हैपन्स. बट या यू आर सेविंग मनी और आप बहुत प्लानिंग से, मतलब यू विल प्लान अ चाइल्ड, ये यहाँ पर श्योर है. पेरेंटिंग आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते होगे. पाइल नंबर वन, आई एम जस्ट सेइंग कि, और आई एम जस्ट सेइंग एंड सीइंग, ये मैं कार्ड्स देख रही हूँ और कह रही हूँ कि यू विल मेक श्योर कि आपके चाइल्ड की हर एक विश और डिज़ायर पूरी हो. आप ये चाहोगे और उसके लिए सेव करोगे मनी. अगेन आई एम नॉट टीचिंग यू पेरेंटिंग और एनीथिंग, वो सब आप अपने पेस पर सीखोगे एज लाइक एक पेरेंट क्या करना चाहिए, पेरेंट को क्या नहीं करना चाहिए. यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू बुक्स और एटसेट्रा, और या फिर आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, जो भी. आई एम नॉट टीचिंग पेरेंटिंग है, आई एम जस्ट सेइंग कि यू विल मेक श्योर कि आपके बच्चे के पास वो हर एक चीज़ है जो वो चाहें. सो यू आर सेविंग मनी फॉर दैट. यू वॉन्ट टू गिव योर चाइल्ड द वर्ल्ड, यस. And then we have the Two of Swords card. Here it shows ki aap kahin na kahin, when it comes to having children, like I feel ki bahut plan karoge, like when you have a very stable relationship ya fir when you after getting married. जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बी फॉर मैरिज चिल्ड्रन चाहते हैं, या फिर वो चिल्ड्रन हैपन्स बी फॉर मैरिज, तो वो चीज़ें भी होती है. बट येस, आप यहाँ पर काफ़ी प्लान कर रहे हो चिल्ड्रन के बारे में और उसके बाद ही वो चाइल्ड को वर्ल्ड में लाने का डिसीजन लेते हो आप. बट विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स आप यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस भी हो कि क्या डू आई डिजर्व अ चाइल्ड. जैसे एवरी चाइल्ड डिजर्व अ पेरेंट, बट एवरी पेरेंट डज नॉट डिजर्व अ चाइल्ड. तो यू आर लाइक कि मैं इतना वर्दी हूँ या मैं इतनी वर्दी हूँ कि मैं एक लाइफ को लेकर आऊँ इस दुनिया में. सो विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ दम. तो आप काफ़ी एक नर्वस पेरेंट भी यहाँ पर नजर आ रहे हो. एंड या यू विल ट्राई योर बेस्ट टू गिव द राइट अपब्रिंगिंग टू योर चाइल्ड, मतलब आप बेस्ट दोगे अपने चाइल्ड को, दैट कैन बी सीन. बट यू आर अ बिट नर्वस एज वेल अबाउट पेरेंटहुड. उसके बाद वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर. किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये शो करे कि यू आर गोना बी दैट मॉम और यू आर गोना बी अ डैड जो अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन, एग्जिबिशन, या फिर कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, या स्पोर्ट्स का कोई कॉम्पिटिशन है, या स्पोर्ट्स डे है, या वट एवर इट इज, जो भी बच्चों की एक्टिविटी होती है स्कूल में, तो यू आर गोना बी प्रेजेंट देयर एंड यू आर गोना चीयर फॉर देम. मतलब अगेन इट कैन हैपन पाइल नंबर वन कि आपके पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं थे आपके लिए ऐसे दिनों पर, एंड यू सॉ कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल प्रेजेंट है पर आपके पेरेंट्स इतने प्रेजेंट नहीं है. तो इट शोज विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कि आपके अंदर एक बहुत डिज़ायर है कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करो, उसके अंदर उमंग उत्साह बढ़ाओ कोई भी कॉम्पिटिशन में जाने के लिए, या फिर कोई कहीं भी अपना क्रिएटिव स्किल को शो करने का उमंग उत्साह बढ़ाओ और उनकी नर्वसनेस को कम करो और उनको चीयर अप करो. सो यू आर गोना बी द एक्टिव पेरेंट जो हर चीज़ में इन्वॉल्व है अपने बच्चे के साथ. इन्वॉल्वमेंट दिस कैन बी सीन हेयर. सो या लाइक दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग. वेन इट कम्स टू हाउ मेनी चिल्ड्रन यू आर गोना हैव, लाइक हाउ मेनी चिल्ड्रन, एक दो तीन कितने, लाइक हाउ मेनी चिल्ड्रन विल पाइल नंबर वन हैव. आई रियली फील पाइल नंबर वन दैट आपके पास सिर्फ एक बच्चा है. इन फ्यूचर यू जस्ट हैव वन चाइल्ड. आई फील दिस. बट हाँ, यहाँ पर हम एक और कार्ड पुल करते हैं. येस, वी हैव द सन कार्ड. एक्चुअली एक या दो होंगे, लाइक वन और टू चिल्ड्रन, दैट्स इट. एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक तो ऑफकोर्स आपका खुद का बच्चा है और दूसरा आपने कोई पेट पाला हुआ है, उसको भी आप अपना बच्चा समझते हो, एक डॉग या फिर मे बी अ कैट आपने वो पाला हुआ, तो उस वो भी आपका बच्चा है, लाइक यू ट्रीट देम एज योर चाइल्ड. बट आई रियली फील कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के सिर्फ एक बच्चा है, एक सिंगल चाइल्ड है, दो भी हो सकते हैं, बट आई रियली फील कि एक ह्यूमन चाइल्ड है और दूसरा इट्स अ डॉग और अ कैट. And you'll treat them as your child. तो ये यहाँ पर ज़्यादा indication है. Again, sun जो है, sun card individualism को show करता है, एक को show करता है. So this shows कि it's actually just you know one child. So that's there. इस card को मैं एक बार side पर रख देती हूँ. फिर उन आपके child के nature के बारे में अगर हमें कुछ पता लगे, pile number one के child के nature के बारे में कुछ. ओके,
So we have the six of swords. Your child will love love to travel. आई थिंक आप अपने चाइल्ड के साथ बहुत जगह ट्रैवल भी करोगे, फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस में, अब्रॉड ट्रैवल, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट. लाइक यू गाइज विल ट्रैवल अलॉट विद योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड विल लव 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 टू ट्रैवल, लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. एंड स्पेशली आपके चाइल्ड को ट्रेन राइड्स बहुत अच्छी लगेगी, या फिर इवन कार राइड भी, कार, ट्रेन, एयरप्लेन राइड, दे विल लव दैट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके चाइल्ड, आपके बच्चे को नींद नहीं आ रही है, तो आप उसे गाड़ी में ऐसे घुमाने ले जाते हो तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती है और वो सो भी जाता है. सो लाइक दिस कैन हैपन, दिस लिटरली कैन हैपन, दिस इज काइंड ऑफ अ स्लीपिंग टेक्निक. बट हाँ, अपना जो फ्यूल है वो बर्बाद हो जाता है. बट नाउडेज इलेक्ट्रिक कार्स आर देयर, राइट? इलेक्ट्रिक कार्स ही कहते हैं ना, हाँ, बैटरी वाली कार्स या इलेक्ट्रिक कार, जो भी, वो आज की डेट में तो अब आ चुकी है. But yeah, like with the six of swords, it does show that your child loves to travel, loves to be in a car, or loves to be on airplane, or loves to be on a train. Like they really like this. जैसे पहले के time पर लोग बहुत train में travel करते थे, सफ़र करते थे, बातें करते जाते थे, singing करते जाते थे, तो like it was a fun time. तो उसी तरह आपके बच्चे को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी. And then we have the five of swords. With the five of swords, again, जैसे यहाँ six of swords था, फिर ये five of swords है, आपके child की energy है. I really feel कि air element जो है, air signs जो हैं, आपके child में prominent, आपके child के chart में prominent हो सकते हैं. Again, air signs जो है, Gemini, Libra और Aquarius हैं. So like this will be there. And with especially with the five of swords, I feel that your child feels a bit attacked. Maybe child, आपके child को confrontation या फिर सारा focus जब आपके child पर होता है तो वो थोड़ा you know weird या फिर थोड़ा nervous महसूस करते हैं. Like your child is a bit nervous or is a bit introverted in nature. उनको जैसे एक ग्रुप में वो डांस कर लेंगे, एक ग्रुप में वो गा लेंगे, गाना गा लेंगे, पर अगर उनको कोई सोलो परफॉर्मेंस देनी होगी तो दे विल गेट नर्वस, दे विल फील ओ माय गॉश आई हैव टू डू दिस अलोन. तो ये चीज़ ज़रूर होगा. कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो लो सेल्फ एस्टीम, ये चीज़ें आपके चाइल्ड थोड़ा फील करें, स्पेशली जब वो स्कूल में हो या फिर जहाँ पर उनको कोई कंपटीशन लड़ना है, लाइक दैट हैपेंस. बट जब वो आपके साथ होते हैं, पाइल नंबर वन आपके चाइल्ड, तो दे फील एट पीस, दे फील वेरी कंफर्टेड, उनको बहुत शेल्टर्ड महसूस होता है, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है. तो आई डू फील कि आपके चाइल्ड को दूसरे लोगों के साथ, मतलब आपके स्पाउस के साथ तो रहना, यानी आपके चाइल्ड को अपने पेरेंट्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा, अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा, पर आपके चाइल्ड को शायद स्कूल जाना, स्कूल में क्लासमेट्स जो उनके साथ इतना कंपटीशन में आना, और वो शायद नहीं अच्छा लगे. अगेन दैट इंट्रोवर्टेड नेचर इज देयर. इवन तो जैसे साइन ऑफ जेमिनी है, वो एयर साइन है, एंड जेमिनी इज सेट टू बी की बहुत कम्युनिकेटिव होता है, बट अगेन जेमिनी हैज दिस आर्द्रा नक्षत्र विद इन इट. तो आर्द्रा वैसे ही काफ़ी रिजेक्टेड महसूस करता है सोसाइटी से. एक आर्द्रा इंडिविजुअल ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होता है. Even though Ardra occurs in Gemini and a talkative sign, then also an Ardra person will not talk so much because they will always feel rejected from the society somehow. DNA jo hai soul ka us person ka, like someone has Ardra nakshatra, their soul is carrying this DNA or soul is carrying this past life memory ki mujhe logo ne reject kar diya. Toh like again your child will not be able to take rejection, handle rejection really well. Toh ye bhi cheez hogi. लाइक योर चाइल्ड इज़ अ काइंड ऑफ ए पर्सन जो जीतना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पर. बट हाँ, अर्ली ऑन इन लाइफ ये ज़रूर है कि दे डू नॉट लाइक टू मिंगल विद पीपल सो मच, थोड़ा इंट्रोवर्टेड नेचर कह लो, और अकेले. इवन जैसे स्कूल में हम वॉशरूम जा रहे हैं तो दे विल से कि अपने फ्रेंड को भी साथ लेकर जाना चाहेंगे. लाइक इट्स अ रिसेस टाइम, दे विल ब्रिंग देयर फ्रेंड विद देम, दे कैन नॉट गो अलोन. अगर उन्होंने खाना खाना है रिसेस में तो उनका दोस्त होगा तो वो खाना आराम से खा पाएंगे. सो इट्स लाइक यू नो अ बिट इंट्रोवर्टेड नेचर है.
मतलब अगर मेरा दोस्त आज प्रेजेंट नहीं है तो फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, इस तरह की इंट्रोवर्टेड नेचर. आज मेरा दोस्त प्रेजेंट नहीं है तो आई विल नॉट ईट, आई कैन नॉट ईट अलोन, एक शर्म आना है, वट एवर इट इज, जो भी, इंट्रोवर्टेड नेचर. देन वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स हियर. सिक्स ऑफ कप्स शोज मी दैट योर चाइल्ड रियली लाइक अलोन टाइम एज वेल. मतलब फैमिली टाइम भी बहुत अच्छा उनको लगता है, आपके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बट दे ऑल्सो लाइक दैट अलोन टाइम जहाँ पर वो अपनी हॉबी रिगार्डिंग कोई चीज़ करें. दे कैन इवन हैव दिस हॉबी कि ग्रोइंग प्लांट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स, टॉकिंग टू प्लांट्स, उनको ये चीज़ें पसंद होगी, कोई ना कोई हॉबी उनके अंदर ज़रूर होगी और उस हॉबी के अंदर वो अपना समय जो है बिता देते हैं. दैट कैन बी सीन. अकेले आपके चाइल्ड बोर नहीं होते. सिंगल चाइल्ड में एक खास बात ये होती है कि वो बोर नहीं होता है क्योंकि उसे शुरू से अकेले रहने की इतनी आदत है. अगर कंपनी है तो पेरेंट्स की कंपनी है, बड़ों की कंपनी है, अदरवाइज लाइक अगेन विद योर चाइल्ड एज वेल, आपके चाइल्ड अपने साथ वालों की कंपनी इतना इंजॉय ना करें. साथ वालों की कंपनी यानी सेम ग्रुप एज, मतलब सेम एज ग्रुप वाले लोग, चिल्ड्रन, उनकी कंपनी शायद आपके जो है चाइल्ड इंजॉय ना करें, वेयर एज इसे बड़ों की कंपनी आपके चाइल्ड जो है इंजॉय करेंगे. और अगर उनके पास कोई कंपनी नहीं भी है तब भी आपके बच्चे को ये पता है कि मैं अपना एंटरटेनमेंट कैसे करूँ, तो अपने आप में ही मस्त, अपने आप में ही खुश. दैट कैन बी सीन. कोई ना कोई ऐसी हॉबी, वेदर इट्स अगेन यू नो प्लांट्स, गार्डनिंग एट्सेट्रा, या फिर कोई और हॉबी जो है आपके चाइल्ड में ज़रूर होगी, और वो अपने आप को बिजी रखना जानते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि आपके चाइल्ड जो है जैसे वो बड़े भी होते हैं, लाइक वेन दे आर 18 और समथिंग, तो या फिर इवन बिफोर 18 वो अपने वो अपनी एजुकेशन के लिए डिस्टेंट फार अवे प्लेस जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आफ्टर द एज ऑफ 18 और 20, या फिर जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो मनी वाइज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सोलो ट्रैवल करें, अनजान लोगों के साथ ट्रैवल करें, और दैट रियली मेक्स देम फील गुड. तो काफ़ी ज़्यादा आपके चाइल्ड जो है ट्रैवल करेंगे अपनी लाइफ में, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे ऑन देयर ओन. सो दैट कैन बी सीन. सो कुछ और उनकी नेचर के बारे में. ओके, वी हैव टू कार्ड्स. डोंट वरी, ये वाले जो कार्ड्स है ये मैं पहले ही शफल करके रखती हूँ बिफोर यू नो डूइंग द रीडिंग. सो ये दो कार्ड जो है ऑटोमेटिक आ गए. सो वी हैव द टीचर एंड वी हैव रेस्क्यूअर. रेस्क्यूअर यही कहते हैं ना, मतलब रेस्क्यू करने वाला. सो वी हैव, इट सेज प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड. शैडो एट्रीब्यूट है, अज्यूम्स दैट द रेस्क्यूड विल रेसिप्रोकेट, कीप्स द रेस्क्यूड वन नीडी. ओके, आई फील कि आपके जो चाइल्ड है दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल. लाइक दे विल मेक, जैसे कि अगर किसी को ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, और आपका चाइल्ड वो देखता है कि हाँ इस पर्सन को मदद की ज़रूरत है, तो योर चाइल्ड विल रन टू हेल्प दैट पर्सन. लिटरली दे विल रन टू हेल्प दैट इंडिविजुअल. बट कहीं ना कहीं अगेन अर्ली इन चाइल्डहुड ऐसा हुआ हो सकता है उनके साथ, आपके चाइल्ड के साथ, कि इवन एज अ चाइल्ड ही यूज टू हेल्प अदर्स एट स्कूल, हेल्प अदर्स इन द कॉलेज टाइम. बट उन्होंने ये चीज़ देखी कि मैं चाहे जितनी मर्जी दूसरों की मदद कर लूँ, मैं चाहे जितनी मर्जी दूसरों की साइड ले लूँ, वो दूसरा मेरी कभी मदद नहीं करेगा और मेरी कभी साइड लेता ही नहीं है. इवन दो आई डिड दिस फॉर दिस पर्सन, आई डिड दैट फॉर दिस पर्सन. इवन विद कजन्स ये चीज़ हो सकती है. आपके चाइल्ड ये कह सकते हैं, लाइक यू कैन से टू योर चाइल्ड कि तुम अपने कजन के साथ खेलो, तुम्हारा कजन आया तुम्हारी उम्र का, एंड यू आर लाइक कि आई कैन प्ले विद देम बट दे डोंट वॉन्ट टू प्ले विद मी. योर चाइल्ड कैन से कि मैं सब कुछ इस के लिए करता हूँ पर इसने कभी भी मेरी साइड नहीं ली. तो लाइक ये चीज़ आपके जो चाइल्ड है काफ़ी ज़्यादा फील करता है, और इस वजह से एक इंट्रोवर्टेड नेचर और स्ट्रांग होता जा रहा है जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं. लाइक ही फील्स और शी फील्स कि उनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोई और कोई उनकी मदद नहीं करेगा. ऑल दो वो सभी की मदद कर देंगे पर उनकी कोई मदद नहीं करेगा, तो ये एक ट्रस्ट इशू भी आपके चाइल्ड को होगा. और आपका चाइल्ड शुरू से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बहुत कोशिश करेंगे. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 14-15 की एज से वो अपने छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करे, एंड देन ही और शी स्टार्ट टू अर्न मनी फ्रॉम देयर.
बट कोई ना कोई ऐसा काम वो शुरू से करना शुरू कर देंगे जिससे उनको मनी आए. तो दे वॉन्ट बी अगेन वेरी इंडिपेंडेंट. एंड आई ऑल्सो फील कि जो आपके चाइल्ड है वो काफ़ी यंग एज में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, काफ़ी यंग एज में, बिकॉज वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड दे अगेन डू नॉट वॉन्ट टू डिपेंड अपॉन एनी वन इन देअर लाइफ, वेदर फाइनेंशली वेदर इमोशनली. बट बहुत सिवेयरली इंडिपेंडेंट आपका चाइल्ड जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. पर हाँ, ये दूसरे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके चाइल्ड, और किसी को भी मदद हो चाहिए हो तो आपके चाइल्ड सबसे पहले वहाँ पर खड़े होंगे. तो बहुत गुड वैल्यूज़ भी है ये कि हमें अगेन देवता देवता जैसा नेचर है चाइल्ड का, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है. यानी अच्छे संस्कार अच्छे गुणों के साथ आपका बच्चा आ रहा है. अगेन दैट चाइल्ड इज़ फर्स्ट अ सोल. तो जो सोल है आपके चाइल्ड की वो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे संस्कार और गुण अपने अंदर लेकर आ रही है फ्रॉम पास्ट लाइफ. एक देवता वाले गुण लेकर आ रही है. दाता के बच्चे देवता, राइट? तो देवता देने वाले गुण, देना ही देना सभी को, लेना कुछ भी नहीं, उस टाइप के चाइल्ड है. अगेन विद द टीचर कार्ड हेयर इट सेज अबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल. और हाँ, एक और चीज़ है विद टीचर कार्ड, जैसे एक पेरेंट और दूसरा टीचर, ये दो लोग होते हैं या ये तीन लोग होते हैं जो आपके तरक्की पर जलते नहीं हैं, जेलस नहीं होते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं. तो जो आपके चाइल्ड हैं वो इसी नेचर के हैं कि वो कभी भी दूसरे की सक्सेस से जेलस नहीं करेंगे, जलेंगे नहीं, और दूसरों को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. काफ़ी समझदार आपके चाइल्ड होने वाले. यू विल नोटिस सिंस द डे वन दे विल हैव क्वालिटीज़ जो एक बहुत समझदार इंसान वाली है. मे बी जो विजडम एक 40-year-old में नहीं है वो विजडम आपके 5-year-old में होगी, आपके 5-year-old चाइल्ड में होगी. सो लाइक दे विल ऑलवेज लाइक योर चाइल्ड इज समवन जो जिनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है कम्युनिकेशन की, कैसे वो नॉलेज दूसरों तक पहुँचाए, कैसे कम्युनिकेट करे, इसकी स्किल इनके पास है, विजडम इनके पास है. एंड शैडो एट्रीब्यूट्स में जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैनिपुलेटिंग और अब्यूजिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग नेगेटिव ट्रेड्स एंड डिस्ट्रक्टिव स्किल्स. सो आई डू फील जैसे हम आर्द्रा नक्षत्र की बात कर रहे थे, तो आर्द्रा इज ऑल्सो अ डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र. डायरेक्टली ऑपोजिट टू आर्द्रा वी हैव मूला नक्षत्र जो कि साइन ऑफ सजिटेरियस में होता है. तो मूला इज द यू नो द नक्षत्र रूल्ड बाय काली, द गॉडेस काली, द यू नो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो आई फील के एक जैसे एक एक होता है पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करना तो नेगेटिव ऑटोमेटिक छूट जाएगी, और एक होता है नेगेटिव को काटते रहना ताकि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं. हमारा पुरुषार्थ, हमारा एफर्ट पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए. जैसे आपको पता है कि आपके अंदर लेट सोने की एक बैड हैबिट है, राइट? लेट सोने की बैड हैबिट है और लेट खाना खाने की बैड हैबिट है. आप ये चाहते हो कि ये मेरी आदत बदले, तो आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि लेट सोऊंगा, लेट उठूंगा, फिर लेट अभी खाना खाऊंगा. आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर मैं जल्दी उठ गया सुबह तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूँगा, और फिर उसके बाद मुझे नींद भी जल्दी आएगी तो मैं रात को सोने से पहले भी जल्दी जो है खाना खा लूँगा. तो कहीं ना कहीं आपका माइंड एडवांटेजेस पर जाना चाहिए, जल्दी सोने के, जल्दी खाना खाने के. आपका माइंड उधर जाना चाहिए ताकि आपके माइंड को ऑटोमेटिक एक कमांड मिले कि मेरे को जल्दी खा लेना चाहिए और मेरे को जल्दी सो लेना चाहिए. पर अगर आप अपने माइंड को ये सोच रहे हो कि मुझे ये आदत छोड़नी है, इसको कट करना है, अपनी लाइफ से कट करना है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा. एक होता है बदलना, बदलने में टाइम लगता है. एक होता है नई अपनी कोई हैबिट ऐड करना, उस वो इजी है. नई चीज़ें ऐड करना इजी है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना, चेंज करना, वो मुश्किल है. तो पॉजिटिव की तरफ जाओ, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन करो, डिस्ट्रक्शन नहीं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन करो. तो समहाउ विद दिस टीचर कार्ड आई फील दैट योर चाइल्ड मे ट्राई, फर्स्ट दे मे ट्राई टू लाइक अगर जो भी उनके बैड क्वालिटीज़ है उनको चेंज करने में उनकी सारी एनर्जी चली जाए, उसको बैड क्वालिटी को मोल्ड करने में सारी एनर्जी चली जाए, एंड देन यू कम इन टू द व्यू एंड यू बिकम अ टीचर एंड टेल देम दैट हे
फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, फोकस करो या एडवांटेजेस देखो उस चीज़ के जो अच्छी चीज़ है, और वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आएगी. तो हमारा फोकस पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए. तो इवन विद द टीचर कार्ड यू मे टीच ऑल दीज थिंग्स टू योर चाइल्ड, क्योंकि अगेन एक पेरेंट को, आई मीन एक चाइल्ड को एक पेरेंट, एक गाइडिंग गुरु तो चाहिए ही होता है. सो आई डू फील विद दिस टीचर कार्ड यू मे बिकम अ टीचर इन देयर लाइफ. एंड आई डू फील आपके चाइल्ड आपको एक रेस्क्यूअर भी समझते हैं. योर चाइल्ड फील्स कि आप उनको हमेशा रेस्क्यू करते हो, बुरी चीज़ों से रेस्क्यू करते हो, प्रॉब्लम से रेस्क्यू करते हो. योर चाइल्ड रियली फील्स दिस वे एंड योर चाइल्ड लर्न्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. तो ये भी चीज़ है पाइल नंबर वन, कि जो भी आप चीज़ें करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, आपका बच्चा वो सारी चीज़ें देखता है और उन चीज़ों को खुद भी करता है, फॉलो करता है. सो कीप अ चेक इन योर लाइफ पाइल नंबर वन, वट डू, वट डू थिंक, वट डू यू लाइक, वट डू डू इन योर लाइफ, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स आर गोन बी कॉपीड बाय योर चाइल्ड. तो जो भी आप सोच रहे हो वो भी उस बच्चे तक पहुंचेगा थ्रू वाइब्रेशन. वाइब्रेशन बच्चा कैच करता है. तो आपका सोच विचार भी बड़ा, आपको ध्यान से सोच विचार करना चाहिए. सोच विचार करने से पहले भी सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके चाइल्ड की तरफ ज़रूर जाएगी, वो सारी वाइब्रेशन, एंड द चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम यू. इफ़ यू आर इन पैनिक पाइल नंबर वन, तो आपका चाइल्ड भी पैनिक क्रिएट करेगा ही करेगा. तो कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ एज वेल, बिकॉज योर चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम यू. यू आर काइंड ऑफ अ टीचर इन देअर लाइफ एंड अ रेस्क्यूअर एज वेल. यू रेस्क्यू देम. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट और क्या इंफॉर्मेशन है. सो वी हैव द कासल. सो इट सेज इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर. सो आई डू अगेन लाइक योर चाइल्ड इज काइंड ऑफ अ बिट डिस्ट्रक्टिव और अ लॉट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. एंड एक जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्ट करके दिखाई अपने बच्चे को चीज़, एक टॉय से कोई कंस्ट्रक्ट करा आपने, सडनली आपके चाइल्ड ने उस जो आपने कंस्ट्रक्ट करा उसको गिरा देना है. तो लाइक दैट विल हैपन. जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं ना, तो कार्ड्स का अगर हम पिरामिड बनाएं, यू मेड दैट पिरामिड विद सो मच ऑफ लाइक एनर्जी एंड टाइम, और आपका बच्चा है और उसने सीधा उसको हाथ मार के गिरा दिया, तो लाइक अगेन दैट डिस्ट्रक्टिव नेचर इज़ गोना बी इन द चाइल्ड. या फिर कोई भी चीज़ आप क्रिएट करते हो, चाइल्ड भी क्रिएट करते हो, तो बच्चा अपनी चीज़ बनाई और फिर एकदम से गिरा दी, लाइक दिस विल हैपन. और वो जब डिस्ट्रक्शन करी तो बच्चा और खुश भी होता है. सो दैट्स लिटरली एन आर्द्रा और अ मूला चाइल्ड, जो पहले अपना खुद बनाएगा और फिर एकदम से सारा डिस्ट्रक्ट कर देगा और फिर बहुत ज़्यादा खुश होएगा. दैट्स अ मूला और एन आर्द्रा चाइल्ड. एंड आई फील कि जो आपके चाइल्ड का जो मोड होता है अर्ली इन लाइफ, अगर कोई चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो दे विल रिबेल अगेंस्ट यू, और दे विल रिबेल अगेंस्ट दैट अथॉरिटी, दैट पर्सन. और गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये भी चाइल्ड में प्रोमिनेंट होगा. जब भी गुस्सा आएगा बच्चे को, उसकी आँख, उसके जो मुँह है वो लाल हो जाएगा, कान भी लाल हो जाएंगे, लाइक दिस विल हैपन. एंड अगेन दे फील दैट यू आर द रेस्क्यूअर, दे फील दैट यू आर द टीचर इन देयर लाइफ. तो आप उनको ये सारी चीज़ें समझाओगे दैट इट्स नॉट रियली द टाइम फॉर वॉर, इट्स द टाइम फॉर हीलिंग माय चाइल्ड. सो आप ये चीज़ अपने चाइल्ड को कह सकते हो. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. सो यू आर हैविंग ए आर्द्रा चाइल्ड और अ मूला चाइल्ड. योर सन्स और योर डॉटर्स सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट कैन लिटरली बी इन द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा और मूला, और या फिर D12 या D9 चार्ट में ये नक्षत्र डोमिनेटिंग हो सकते हैं. आपके चाइल्ड को शॉर्ट हेयर कट्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा, अपने शॉर्ट हेयर कट बनाना, लाइक नॉट लॉन्ग हेयर. योर चाइल्ड विल लव टू हैव शॉर्ट हेयर. बीइंग अ गर्ल, वो अगर आपके जो चाइल्ड है शी इज़ यू नो अ गर्ल, तो शॉर्ट हेयर कट रखना. इफ़ इट्स अ बॉय तो और भी ज़्यादा शॉर्ट, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शॉर्ट कट, कैसे कहूँ मैं, बालों का हेयर कट है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, नॉट शॉर्ट कट, आई शुड से कि बहुत ही लाइक आई डोंट नो, जैसे रेजर फेर देते हैं ना कहीं, तो उस तरह से फौजी कट और मे बी समथिंग, क्या जो भी कहते हैं, बहुत शॉर्ट हेयर कट्स का शौक होगा. एंड या That can be seen again in आपके chart में भी pile number one, जो पुत्र कार का, the planet holding the fifth highest degree in your chart, it can be Mars,
और इट कैन ऑल्सो बी सैटर्न, इट कैन बी सन एज वेल. पुत्र कार का कैन बी सन, सैटर्न और मार्स. और जो आपका फिफ्थ हाउस है जो कि आपके फर्स्ट चाइल्ड को शो करता है, जो चिल्ड्रन इन जनरल को शो करता है, उसके अंदर साइन ऑफ जेमिनाई या फिर उसके अंदर साइन ऑफ सजिटेरियस हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं. अगर साइन ऑफ सजिटेरियस इज इन द फिफ्थ हाउस, इट शोज कि आप अपने चाइल्ड को, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो यू विल ट्रीट योर चाइल्ड एज योर गुरु. Like somehow you will ask your child कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, and then your child gives you an advice, और वो advice बहुत अच्छी देंगे आपके child. Actually your child is your past life father या फिर past life guru coming as a child in your life, as your child in your life. If sign of Sagittarius is in the fifth house, sign of Gemini भी हो सकता है fifth house में. तो अगर sign of Gemini है fifth house में, तो जो आपका बच्चा, you will treat them as your friend or as your younger sibling. आप उनको उस तरह से treat करोगे, as a friend treat करोगे. तो ये signs, ये नक्षत्र dominating है. Again sign of Gemini, sign of Sagittarius. Again जैसे Gemini में मृगसेरा, आर्द्रा और पुनर्वासु आता है, और जो सजिटेरियस है उसके अंदर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है. तो ये नक्षत्र यहाँ पर डोमिनेटिंग, ये साइंस यहाँ पर डोमिनेटिंग नजर आ रहे हैं. और ऑफकोर्स लीब्रा और एक्वेरियस भी डोमिनेटिंग हो सकता है. तो लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा, और जो एक्वेरियस है उसके अंदर धनिष्ठा, सतभिशाख और पूर्वा, भद्रपदा. ये नक्षत्र भी, ये साइंस भी आपके चार्ट में डोमिनेटिंग होंगे, पाइल नंबर वन इन योर डी वन और इन योर डी ट्वेल्व चार्ट और इन योर डी सेवन चार्ट एज वेल. डी सेवन चार्ट जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड चार्ट है. इट डी सेवन चार्ट रिप्रेजेंट्स द फ्रूट्स ऑफ मैरिज, फ्रूट्स ऑफ यूनियनशिप और फ्रूट्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एज वेल इन दिस डी एन एज. तो फ्रूट्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप और फ्रूट्स ऑफ मैरिज इज एक्चुअली चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन, आपके चिल्ड्रन को डी सेवन चार्ट से भी देखा जा सकता है. आपकी मैरिड लाइफ डी नाइन से देखी जाती है, पर चिल्ड्रन इज सीन फ्रॉम डी सेवन चार्ट. ऑलराइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर माय डियर. एंड ऑल्सो नंबर 30 बिकम्स इंपॉर्टेंट. कैन हैपन कि आपके चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 30 हो. Not for everyone, but हाँ, number 30 becomes important. ऐसा हो सकता है योर चाइल्ड इज बॉर्न ऑन 30th ऑफ सम मंथ, दैट कैन इवन हैपन. तो या, दैट वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर वन. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हार्ट हाउ इट रेजनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली, और इफ यू आर ऑलरेडी अ मम और अ डैड, देन हाउ इट रेजनेट्स विद योर चाइल्ड, लेट मी नो. Alright, and also write angel blessing in the comment section below, and like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box up below. And also if you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number one. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number two. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the six of wheels here. Let's get started with your reading. So, sabse pehle to yahan par aapke baare mein cards pull out karenge. आपके जो मन में जो विचार हैं चिल्ड्रन के बारे में, थॉट्स हैं चिल्ड्रन के बारे में, पहले आपको रीड करेंगे हम यहाँ पर, पाइल नंबर टू. ओके, सो वी हैव द लवर्स कार्ड. ओके, यू वांट टू, लाइक यू वांट टू डू अपब्रिंगिंग ऑफ योर चाइल्ड एक ऐसे हाउसहोल्ड में जो कि टॉक्सिक ना हो, जो कि अंडरस्टैंडिंग वाला घर हो, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ. यू वांट टू अपब्रिंगिंग ऑफ योर चिल्ड्रन. एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, यू डोंट वांट दैट फॉर योर चाइल्ड. आप जेनरेशनल ट्रॉमा अपने चाइल्ड को नहीं देना चाहते हो. अगेन यू वांट कि आपका चाइल्ड एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बढ़े जहाँ पर बहुत सारा प्यार हो, स्नेह प्यार हो और अंडरस्टैंडिंग हो, और एक दूसरे को अगेन सपोर्ट करें. Like you want to bring your child in this kind of environment. Then we have the 10 of wands here.
ऑल राइट, अगेन इट शोज कि जो आपका जनरेशनल ट्रॉमा, यू डोंट वॉन्ट टू गिव दैट टू योर चाइल्ड, यू रियली डोंट वॉन्ट टू गिव दैट टू योर चाइल्ड. आप कहीं ना कहीं इमोशनली अवेलेबल रहते हो अपने चाइल्ड के लिए, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड, यू वॉन्ट दैट. देन वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स. अगेन इट शोज कि आप अपने बच्चे की हर एक जो मटीरियलिस्टिक विश और डिज़ायर है उसको भी पूरा करना चाहते हो. एंड इनफैक्ट जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो काफ़ी मदरली है इन नेचर, जो कि जैसे कईयों के हम घर जाएं तो वो वहाँ पर जो आंटी हैं या फिर वहाँ पर आंटी अंकल के घर गए तो आंटी इज़ लाइक कि कम आई कुक दिस मील फॉर यू, टेक इट, हैव इट, हाउज इट, I made this idli for you, or I made this for you, have it, try it, taste it, like how does, how is it, how has the dish, this is my first time making it and I made it for you, because mujhe pata laga ki tumhe ye dish bahut achhi lagti hai, toh I made it for you, how's it. So bahut zyada ek aise person ko क्वीन ऑफ पेंटिकल शो करता है. तो इट शोज दैट यू विल बी दिस मॉम और डैड जो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं खाने पीने के मामले में, और वो अपने बच्चे को सबसे पहले टेस्ट कराते हैं और काफ़ी वेलकमिंग, वार्म हार्टेडली अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं. इनफैक्ट कोई भी अपशब्द का यूज़ नहीं करते आप अपने बच्चे के सामने, एब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते आप अपने बच्चे के सामने. तो बहुत एक अच्छी अपब्रिंगिंग आप देते हुए नज़र आ रही. यू आर एक्चुअली अ वाइज पेरेंट. आई डोंट नो ये वाइज पेरेंट कहना सही है या नहीं. अगेन दिस इज नॉट ए रीडिंग फॉर पेरेंटिंग. लाइक मुझे पेरेंटिंग के बारे में आई डोंट इवन नो द पी ऑफ पेरेंटिंग. ऑल राइट, आई एम नॉट अ पेरेंट, पर आई डू फील एंड दिस रीडिंग इज नॉट रियली अबाउट पेरेंटिंग. वो पेरेंटिंग सीखना वो आप एक बुक से या किसी और पेरेंट से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो. आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग आएगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम दीज कार्ड्स दैट आप अपने बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहते हो, और ऐसे अगेन एक इमोशनली आप अवेलेबल रहना चाहते हो अपने चाइल्ड के लिए. इवन जो आपने ये सिक्स ऑफ व्हील्स का कार्ड, यू नो, यू चोज द सिक्स ऑफ व्हील्स कार्ड, यू चोज पाइल नंबर 2, आई डू फील दैट यू आर ऑलवेज गिविंग समथिंग टू योर चाइल्ड. लिटरली खाने पीने के मामले में कुछ ना कुछ देते रहना. अगर आप बाहर भी हो तो यू आर ऑलवेज पुलिंग समथिंग आउट ऑफ योर पर्स एंड गिविंग दैट टू योर चाइल्ड टू ईट, तो वो चीज़ भी हो सकती है. बट अगेन आई डू फील विद द लवर्स कार्ड हेयर, आई फील कि चिल्ड्रन और पेरेंटिंग विल कम वेरी नेचुरली टू यू. जैसे पाइल नंबर 1 के लिए मैंने ये कहा था कि वो प्लान करेंगे चिल्ड्रन को, वेयर इज पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर लाइक यू गेट मैरिड और यू आर इन अ लिविंग रिलेशनशिप. जो भी, मतलब नाउ डेज लोग मैरिज भी नहीं करते हैं, दे जस्ट यू नो डू दिस लिव इन रिलेशनशिप, दिस स्टार्ट अ फैमिली, लाइक दी ये चीज़ें भी आज की डेट में होती है. तो पर हाँ, लाइक इट कैन हैपन पाइल नंबर 2, यू गेट मैरिड एंड देन यू हैव चिल्ड्रन. और मे बी आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जिससे आपने मैरिज तो नहीं करी, बट यू हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ ऑन दैट पर्सन, और वो पर्सन भी आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और आप दोनों के बीच बहुत स्नेह प्यार है. तो अगेन लाइक दिस शोज अ हैप्पी मैरिज और दिस शोज अ हैप्पी रिलेशनशिप, चिल्ड्रन ऑटोमेटिक होंगे. लाइक यू विल नॉट रियली प्लान चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल जस्ट यू नो हैपन टू यू, दे विल कम टू यू. एंड ऐसा हो सकता है दैट यू नो व्हेन यू सी दैट ओ you have conceived, you're pregnant and you can really be happy. आप tension में नहीं होगे, stress में नहीं होगे, but you are actually going to be happy. और जो आपके partner है वो भी बहुत ज़्यादा happy महसूस करेंगे. तो ये होगा. And then ऐसा हो सकता है कि when you get this news that a child is on the way, तो I feel कि आप अपना घर भी shift करो, या घर में renovation हो या घर shift करो एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे घर आप खरीदो या अगर रेंट करो, वट एवर इट इज़, आप घर चेंज करोगे, रेनोवेशन होगी, लाइक ये चीज़ें होगी इन दोज 9 मंथ्स. एंड ऑल्सो आप अपने बच्चे को एक ऐसी जगह अपब्रिंगिंग करना चाहोगे जो नियर पार्क हो, नियर नेचर हो, जहाँ पर आप अपने बच्चे को बाइसिकल राइड करना सिखा सको, जहाँ पर नेचर के करीब आप रहना पसंद करो वाइल यू आर अपब्रिंगिंग अ चाइल्ड, डूइंग द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड. तो ये सब चीज़ें
बट आई डू फील कि आप अपने बच्चे के लिए इमोशनली प्रेजेंट रहना चाहते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है पाइल नंबर टू कि आपके लिए आपके पेरेंट्स इमोशनली प्रेजेंट नहीं थे, या फिर आपके पेरेंट्स में वो इमोशनल एक ये नॉलेज नहीं थी कि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी आपके पेरेंट्स में, या फिर आपके पेरेंट्स पाइल नंबर टू इतने ज़्यादा लविंग नहीं थे एक दूसरे के लिए, आपके पेरेंट्स का लड़ाई झगड़ा होता रहता था एंड यू यूज टू सी दैट, यू यूज टू वॉच दैट एज अ चाइल्ड, तो दैट कैन हैपन. बट आप अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं चाहते हो, आप अपने बच्चे को अगेन एक ऐसे घर में ही लाना चाहते हो जहाँ पर आप एज ए फैमिली बहुत खुश हो, नाराज नहीं रहते एक दूसरे से, यू एंड योर स्पाउस और यू और योर पार्टनर, यू गाइज आर हैप्पी, एक ऐसे इन्वायरमेंट में भी अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग अप करना चाहोगे, दैट कैन बी सीन. यहाँ पर हाउ लाइक वी आर गोना आस्क टेरो दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन विल पाइल नंबर टू हैव, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल पाइल नंबर टू हैव इन दिस लाइफ टाइम. ओके वी हैव टू कार्ड्स हेयर. So we have the King of Wands and we have the Two of Swords. Literally yahan par I will say two kids. Literally two kids. And I also feel ki ek boy hai aur ek girl hai. I don't feel ki ye same gender wale hain. I feel ek boy hai, ek girl hai. And yeah. One is boy and the other is a girl. Aur agar mujhe nature ke bare mein kehna ho ki aapke child ka kya nature hai, आपके चिल्ड्रन का क्या नेचर है, आई फील एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होगा, और जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, जैसे वो पेंटिंग है, चाहे वो अगेन कोई आर्टिस्टिक चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो कोई यू नो मार्शल आर्ट्स, टाइकोंडो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सब चीज़ें, तो उसमें आपका एक बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, प्रॉबेबली वो बॉय ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा. एंड आई फील द गर्ल इज़ गोना बी मोर लॉजिकल, इज़ गोना बी वेरी इंटेलिजेंट. अगेन ये वाइसा वर्सा, मतलब गर्ल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बॉय बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ये भी हो सकता है, बट वॉट आई feel here is the boy is going to be very creative, very enthusiastic, very expressive, but jo girl hai she is very we can say very intelligent, very logical, and I feel itna zyada expressive nahi, emotionally itna expressive nahi, shant swabhav jisko kehte hai, waisa nature. और रीज़न क्या है शांत स्वभाव का, वो अंदर हलचल है. विद द टू ऑफ स्वॉर्ड इट शोज कि मन हलचल में रहता है, मन कन्फ्यूज्ड रहता है, और कहीं ना कहीं जो सेकेंड चाइल्ड है वो बोलना भी थोड़ा धीरे सीखे. एक बच्चा एक पर्टिकुलर एज पर बोलना शुरू कर देता है, बट आपका ऐसा हो सकता है सेकेंड चाइल्ड जो है वो थोड़ा लेट बोलना सीखे, अर्ली बोल ही ना पाए, मतलब सारे बच्चे बोलना शुरू कर दे पर जो आपका सेकंड चाइल्ड है वो लेट बोलना शुरू करे. रीज़न यही होता है, जब भी सैटर्न मर्क्यूरी को एस्पेक्ट करे या फिर सैटर्न और मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, तब जो है सैटर्न डीले कर देता है कम्युनिकेशन को, बिकॉज सैटर्न इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ डीले एंड मर्क्यूरी इज़ कम्युनिकेशन. नेचुरल सी बात है, सैटर्न और मर्क्यूरी कंजंक्शन या सैटर्न एस्पेक्टिंग मर्क्यूरी, हैंस डीलिंग द कम्युनिकेशन. ये D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, D12 चार्ट में जो है आपके सेकंड चाइल्ड के चार्ट्स की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की बात करें, इसमें ये इस तरह की प्लेसमेंट सैटर्न और मर्क्यूरी की हो सकती है. दैट्स व्हाई दे विल स्टार्ट स्पीकिंग अ बिट लेट, बट आफ्टर इवन यू नो जब आपके सेकंड चाइल्ड बोलना शुरू कर देंगे, लाइक दे आर गोइंग टू स्कूल, वो बोल भी रहे हैं, बट इतना स्टिल वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि सैटर्न बातचीत में इतना विश्वास नहीं करता. मतलब एक खड़ा जवाब देना और डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट करके बात करना, घुमा फिरा के बात ना करना, शुगर कोट करके ना बात करना, इस तरह का कम्युनिकेशन देता है. तो सेकंड चाइल्ड विल हैव अ ड्राई और मे बी अ रफ, वेरी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर इज द फर्स्ट चाइल्ड है एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, एक्सट्रीम, एंड एट टाइम्स यू विल नोटिस कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो एक्सट्रीमली हैप्पी है और एक्सट्रीमली सैड है, एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस फील करता है फर्स्ट चाइल्ड, स्पेशली द फर्स्ट चाइल्ड. सेकेंड चाइल्ड न्यूट्रल ज़्यादा रहते हैं, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी, न्यूट्रल स्टेज उनका ज़्यादा है.
पर हाँ उनका मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है. एंड एट टाइम्स पाइल नंबर टू यू विल आस्क योर सेकेंड चाइल्ड कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मुझे भी तो बताओ, व्हाट आर यू इवन थिंकिंग. तो आपके सेकेंड चाइल्ड कह सकते हैं नथिंग मम, नथिंग डैड, आई एम थिंकिंग नथिंग. वो जो नथिंग है, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, इसका मतलब है वो बहुत कुछ सोच रहे हैं. एंड वो इतना सब कुछ सोच रहे हैं कि एक भी चीज़ आपको बता नहीं सकते क्योंकि इतना हॉचपॉच है अंदर. So this is something which we are getting. Something more about your children's personality, their nature. So we have the emperor here for the first child. Okay, and then we have the king of cups. All right, this is actually a good news. So, सबसे पहले तो मैं सेकेंड चाइल्ड की बात करना चाहती हूँ. सेकेंड चाइल्ड जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो थोड़े बेपरवाह बनने शुरू हो जाते हैं. बेपरवाह भी एक गुड मैनर में बेपरवाह, एक गुड पॉजिटिव तरीके से बेपरवाह. मतलब आपके सेकंड चाइल्ड को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है. सेकंड चाइल्ड इस चीज़ पर फोकस करता है कि मेरी खुशी कहाँ है और क्या चीज़ से मैं खुश ज़्यादा महसूस करता हूँ या करती हूँ. इस चीज़ पर सेकंड चाइल्ड का फोकस रहेगा. सेकंड चाइल्ड जो है अपने में बिजी रहता है, अपने में ही बिजी रहता है और उससे ज़्यादा लोग पसंद नहीं है अपने अराउंड. वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद, ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं जब वो अकेले रहते हैं. दैट कैन बी सीन. और सेकेंड चाइल्ड जो है वो इतना कंप्लेन भी नहीं करते कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ लाइक दे डोंट इवन कंप्लेन. वो जो प्रैक्टिकल हार्श रियलिटी है वर्ल्ड की उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस इस प्रैक्टिकल हार्श वर्ल्ड में कैसे मैं जीऊँ, वो भी अच्छे से अच्छा जीऊँ, इस चीज़ पर फोकस रहता है आपके सेकंड चाइल्ड का, जो कि अगेन बहुत बहुत अच्छी बात है. और अगर कोई चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं भी हुई है, सेकंड चाइल्ड के अकॉर्डिंग नहीं भी हुई है, तब भी दिल शिकस्त नहीं होते सेकंड चाइल्ड, तब भी मुरझा नहीं जाते, एकदम सैडनेस मेलंकोलिक नेचर नहीं हो जाता. आपके सेकंड चाइल्ड जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहे हैं. सो यू कैन एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर सेकंड चाइल्ड. जो फर्स्ट चाइल्ड है वो लग्जरी खाना, लग्जरी जगहों पर जाना, अच्छे से अच्छे नेम ब्रांड कपड़े पहनना और इंजॉय करना मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, उस पर ज़्यादा फोकस है. मेरे सेकंड चाइल्ड नेचर के ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं क्योंकि नेचर उनको वो सुकून देता है, वो पीस ऑफ माइंड देता है. मेरे स्पाइल नंबर टू आपके जो फर्स्ट चाइल्ड है दे वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ अ पार्टी. मतलब ग्लैमर, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग बिग डील्स एंड साइनिंग बिग डील्स. और एक तरह से लाइक योर फर्स्ट चाइल्ड विल लव टू ईट, यू नो, लाइक फास्ट फूड्स लाइक बर्गर, एंड दे विल लव टू गो टू मैकडोनल्ड्स, ये जगहों पर. मेरे सेकेंड चाइल्ड जो है वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होंगे. फर्स्ट चाइल्ड जो है दे विल बी लाइक जो मेरी जीभ को पसंद है वो मुझे पसंद है, जो मेरी जीभ के टेस्ट को, मतलब जो मेरे को टेस्टी लगेगा, जीभ को टेस्टी लगेगा, वो बेस्ट है मेरे लिए खाना. लाइक दे विल बी लाइक दिस. एंड यस, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो जल्दी गेन भी करेंगे वेट, दैट विल हैपन. और जो सेकेंड चाइल्ड है, इट कैन हैपन, जो सेकेंड चाइल्ड है वो जल्दी गेन भी ना करें वेट. हो सकता है, ऑफकोर्स ये ज़रूर होता है, आप बच्चे हो तो आप अपने पेरेंट्स के घर रहते हो, पेरेंट्स जो आपको खाना देते हैं आप वो खाते हो. तो जो फर्स्ट चाइल्ड है उनकी जो बॉडी की प्रकृति है वो जल्दी गेन करने की है वेट को. वेयर एज जो सेकंड चाइल्ड की बॉडी की प्रकृति है वो है पतले रहने की. आप सेकंड चाइल्ड को फर्स्ट चाइल्ड वाला खाना भी खिला दोगे, जंक फूड भी खिला दोगे, फैटी फूड भी खिला दोगे, तब भी सेकेंड चाइल्ड मोटा नहीं होने वाला है, तो वो फिर भी स्लिम रहेगा. अपनी अपनी बॉडी की तासीर होती है. तो वही चीज़ है, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बहुत जल्दी गेन वेट कर सकता है, सेकंड चाइल्ड इतना गेन करते ही नहीं वेट, वो स्लिम ही रहता है चाहे कुछ भी खा ले. तो ये चीज़ है. एंड समथिंग मोर अबाउट योर चिल्ड्रन, समथिंग मोर. एंड यस, यू विल सी अ बिग चेंज और बिग डिफरेंस इन योर चिल्ड्रन, इन योर फर्स्ट चाइल्ड एंड योर सेकेंड चाइल्ड. नेचर में बड़ा बदलाव है, चेंज है. अगेन ऐसा हो सकता है जो सेकंड चाइल्ड है वो हाईली एजुकेटेड भी हो, वो उन्होंने टेक्निकल डिग्रीज ली हो. जो फर्स्ट चाइल्ड है वो ज़्यादा आर्टिस्टिक है. आई फील जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बिजनेस करेंगे, सेकंड चाइल्ड जो है वो जॉब्स करेंगे. सो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर टू के चिल्ड्रन के बारे में. ओके,
So we have the lover for the first child. Okay. Lover card यहाँ पर भी आया हुआ है, the lovers आपके लिए pile number 2. So you yourself have built a good life for you pile number 2. सिर्फ आपके बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छी लाइफ नहीं बनाई है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं, पर आपने अपनी लाइफ भी बहुत अच्छी बनाई हुई है. आपकी जो पर्सनल लाइफ है फ्यूचर में बहुत अच्छी नज़र आ रही है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ सपोर्ट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, इस सब की लग रही है. यू हैव अ गुड फैमिली इन फ्यूचर पाइल नंबर 2. फॉर पाइल नंबर 2 आपके सेकेंड चाइल्ड के लिए वी हैव द स्टोरी टेलर. जो चाइल्ड टू है, सेकेंड चाइल्ड है, वो पेशेंट भी ज़्यादा है. जो फर्स्ट चाइल्ड है दे आर ओवरली एक्साइटेड एंड जॉयफुल पीपल, वेर सेकेंड चाइल्ड जो है दे आर काम एंड दे आर पेशेंट एंड दे यू नो लाइक they have experience, they will experience a lot of things in their life, good things they will experience in their life. यहाँ पर है ability to experience and express life through stories and symbols. आपके जो second child है वो भी काफ़ी travel तो of course करेंगे, और उनको जो है वो काफ़ी, जहाँ भी वो जाएंगे second child आपके, कोई ना कोई souvenir, maybe magnets etc, ये सब लेकर आए. एंड देन दे टेल यू कि हम यहाँ गए थे, फिर हम वहाँ गए थे, यहाँ से हम ये लेकर आए, ये पिक्चर यहाँ की यहाँ क्लिक करिए. तो दे विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल. तो दे आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. आपका सेकेंड चाइल्ड इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. देन जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है विद अ लवर कार्ड हियर, इट सेज ग्रेट पैशन एंड डिवोशन एंड ओके आई कैन नॉट प्रोनाउंस दिस, फॉरगेट अबाउट इट. इट सेज अप्रिसिएशन ऑफ समवन और समथिंग. शैडो एट्रीब्यूट्स, ऑब्सेसिव पैशन दैट हार्म्स अदर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवोशन. सडनली यू नो, सडनली आई फील कि जो आपके फर्स्ट चाइल्ड हैं दे विल बी वेरी डिवोटेड और ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है आपके फर्स्ट चाइल्ड को गाना गाने का बड़ा ही शौक है, लाइक दे लव टू सिंग, पर इतना ज़्यादा अंधा पैशन है कि वो अगर रियाज या फिर सारे गामा पा वो गाई जा रहे गाई जा रहे, और उनका गला जो है वो भी अब जवाब देने को आ गया. 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे वो जो हैं चीख चीख के गा भी रहे हैं, बीच में रियाज भी कर रहे हैं, और लाइक एक्सेसिव यू नो, लाइक दिस हैपेंस. एक्चुअली मैंने ऐसे एक दो लोगों को देखा हुआ है जो दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट म्यूजिक, और वो इतना गाते रहेंगे, 10-10 घंटों तक गाएंगे. एंड माइंड यू, उनको जब मैंने देखा था तो वो ठीक दिख रहे थे, और उसके 15-20 दिन बाद देखा तो उनकी सेहत इतनी, वो कमज़ोर हो गए, उनका हेल्थ डाउन चला गया, क्योंकि उन्होंने इतनी एनर्जी लगा दी अपने इस शौक में कि वो अपने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं दे पाए. तो एक ये होता है अंधा पैशन. तो लाइक योर फर्स्ट चाइल्ड विल हैव यू नो अ स्ट्रांग पैशन टुवर्ड्स समथिंग, दे विल बी ऑब्सेसिवली इन्वॉल्व इन दैट. बट द गुड पार्ट इज ऑल्सो कि उनको वो चीज़ करके बड़ी खुशी मिलती है. बट एक्सेसिव लाइक डिवोशन होता है पॉजिटिव, ऑब्सेशन होता है नेगेटिव. तो वो ऑब्सेशन की तरफ भी जो है वो ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है आपके फर्स्ट चाइल्ड. लाइक दे आर गोइंग टू बी ऑब्सेसिवली इन्वॉल्व इन टू समथिंग, इन सम एक्टिविटी एंड या. और जो फर्स्ट चाइल्ड है वो मल्टीपल ब्रेकअप से भी गुजर सकता है, स्पेशली एक पेनफुल ब्रेकअप से तो ज़रूर गुजरेंगे आपके फर्स्ट चाइल्ड. दे विल लव समवन डियरली और वो पर्सन उनसे ब्रेकअप कर लेंगे, लाइक दिस विल हैपन. और फिर आपके फर्स्ट चाइल्ड का बिल्कुल दिल टूट जाना, लाइक दिस कैन इवन हैपन. वेर अ सेकेंड चाइल्ड इज़ अ चिल पर्सन, दे विल यू नो एक्सपीरियंस लव इन देयर लाइफ, दे विल लाइक एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल फॉर योर सेकेंड चाइल्ड. बट फर्स्ट चाइल्ड इज एन एक्सट्रीमिस्ट, दैट कैन बी सीन. पर अगेन उनका खुद का सेकेंड फर्स्ट चाइल्ड का खुद का कर्म है, उनकी सोल जो है पास्ट लाइफ के संस्कार, पास्ट लाइफ के कार्मिक काउंट्स लेकर आ रही है इस लाइफ टाइम में, जो उनको चुकाने पड़ेंगे, वो उनकी लाइफ है. आप चाहे आप समझाने की भी कोशिश करो अपने फर्स्ट चाइल्ड को, पर वो माने ना. कई बार बच्चा नहीं मानता है, हमें पता है एज अ पेरेंट कि वो बात ठीक नहीं है, पर बच्चा नहीं मानता तो फिर वो अपनी गलती से सीखता है, हम फिर क्या कर सकते हैं उसमें. तो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. एंड लेट मी पुल वन लास्ट कार्ड हियर अबाउट योर चिल्ड्रन.
ओके सो वी हैव द स्वॉर्ड कार्ड, मेक द चेंज. आई फील कि अगर आप अपने बच्चे में बदलाव लाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. आई फील विद द बिग मिरर हेयर द चाइल्ड कॉपीज यू अ लॉट. लाइक बोथ योर चिल्ड्रन कॉपीज यू अ लॉट एंड योर स्पाउस, दे कॉपी यू गाइज. जैसा आप करते हो वैसा सेम करते हैं. तो अगर आप आपके आपको पता है आपके अंदर ये बैड क्वालिटी नहीं है तो बच्चे ने कहाँ से पिक करी? हो सकता है आपके पार्टनर से वो बैड क्वालिटी पिक करी है. तो आप अपने बच्चे को नियर टू परफेक्शन लेकर जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उनके अंदर ये बुरी क्वालिटीज़ ना आए, तो आपको और आपके पार्टनर को भी बदलना पड़ेगा बिकॉज दे आर लिटरली कॉपिंग यू. सो दैट कैन बी सीन हेयर. एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए अगेन हम देखें तो फर्स्ट चाइल्ड के अंदर श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, ये नक्षत्र डोमिनेटिंग होंगे. आपके सेकेंड चाइल्ड में जो है उत्तर भद्रपदा, इवन आई से पुष्या नक्षत्र एंड आई से कृतिका एंड विशाखा नक्षत्र कैन इवन बी डोमिनेटिंग. तो ये नक्षत्र है क्योंकि स्पेशली श्रावण एंड धनिष्ठा आर अबाउट स्पोक्स पर्सन. इट्स अबाउट सिंगिंग म्यूजिक एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि जैसे धनिष्ठा नाम में धन है तो एक लग्जरी लाइफ जीना लाइक दैट. एंड वेयर एज सेट्रेनियन नक्षत्र लाइक पुष्य इज अ सेट्रेनियन नक्षत्र, सैटर्न रूल नक्षत्र, उत्तर भद्रपदा इज अ सैटर्न रूल नक्षत्र है. तो ये स्पेशली नक्षत्र डोमिनेटिंग हो. अगेन आपका जो चार्ट है, आपका जो हॉरोस्कोप, आपका मेन बोर्ड हॉरोस्कोप है या फिर आपका जो D9 नवामशा चार्ट है या फिर D12 चार्ट है आपका पाइल नंबर 2, उस चार्ट में फिफ्थ हाउस में जो है यू कैन हैव दी केप्रिकॉन साइन, मीनिंग आपका वर्गो असेंडेंट हो सकता है पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में वर्गो असेंडेंट. या फिर जो फिफ्थ हाउस है उसके अंदर आपका एयरीज साइन है या फिर फिफ्थ हाउस में आपका लीब्रा साइन है, दैट कैन हैपन. तो ये साइंस भी वहाँ पर आपके चार्ट में हो सकते हैं. अगर मान लो आपके चार्ट में लीब्रा साइन है फिफ्थ हाउस में तो यू विल ट्रीट योर फर्स्ट चाइल्ड एज योर पार्टनर, एज योर इक्वल. If you have sign of Capricorn in the fifth house, it shows कि आपका भाग्य उदय करियर में आपके फर्स्ट चाइल्ड के बाद होता है. आपको वो प्रमोशन जो आपको जो इतने समय से चाहिए थी वो आपको फर्स्ट चाइल्ड के बाद मिलेगी. एंड ऑल्सो अगर जैसे यू हैव साइन ऑफ एक्वेरियस इन द फिफ्थ हाउस तो ये शो करता है जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसके साथ आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है पास्ट लाइफ का जो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा. मे बी आपको फर्स्ट चाइल्ड के लिए उसको फॉरेन कंट्री भेजना पड़े तो आपको कितने लैक्स ऑफ मनी जो है वो देना पड़ेगा फर्स्ट चाइल्ड को. और अगेन साइन ऑफ एक्वेरियस जो है वो कार्मिक इसलिए बिकॉज इट्स रूल्ड बाय सैटर्न एंड राहु, एंड सैटर्न राहु और भोगाकार का प्लैनेट, इट गिव्स यू भोग ऑफ द पास्ट लाइफ. तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने अपने फर्स्ट चाइल्ड के पैसे ले लिए हो तो इस लाइफ टाइम में आपको वो पैसे अपने फर्स्ट चाइल्ड को देने पड़ेंगे. बच्चे को तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि बच्चा वारिस है, देना ही पड़ेगा. तो दैट्स देयर एंड यू विल हैव अ लिटिल कार्मिक रिलेशनशिप विद द फर्स्ट चाइल्ड विद द साइन ऑफ एक्वेरियस इन द फिफ्थ हाउस. कार्मिक रिलेशनशिप इन अ सेंस के आप कुछ चाहोगे, आपके फर्स्ट चाइल्ड कुछ चाहेंगे जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाई हो जाए, दैट कैन इवन हैपन. जैसे सेवन्थ हाउस जो है आपके सेकेंड चाइल्ड को शो करता है तो साइन ऑफ सेवन्थ हाउस में अगेन यू कैन हैव यू नो लाइक लीब्रा साइन और यू कैन हैव दी एयरीज साइन. तो जैसे अगर एयरीज है सेवन्थ हाउस में, इट शोज कि जो आपके सेकेंड चाइल्ड हैं जैसे वो बॉर्न होते हैं आपकी हेल्थ में कोई चेंज आएगा. मे बी आफ्टर योर सेकेंड चाइल्ड आपने सडनली गेन कर लिया वेट आफ्टर हैविंग द फर्स्ट चाइल्ड. आप पहले बहुत पतले थे, सडनली आफ्टर द सेकेंड चाइल्ड यू आर अनएबल टू रिड्यूस दैट वेट. अगर आप पहले बहुत यू नो एक थोड़ा ओवरवेट या थोड़ा हेल्दियर साइड पे थे, आफ्टर सेकेंड चाइल्ड आप सडनली स्लिम ट्रिम हो गए, दैट हैपेंस. बॉडी में चेंजेस आना सेकेंड चाइल्ड के बाद. इनफैक्ट इन मैरिज स्पेशली जब भी सेकेंड चाइल्ड बॉर्न होता है मैरिज में कोई बहुत बड़ा चेंज जरूर आता है क्योंकि सेवन्थ हाउस मैरिज का है.
primarily 7th house marriage को show करता है, but हाँ it also shows your second child because it is 7th house's third from the 5th house. It's the sibling of your first child. तो again कोई ना कोई major change जो है marriage में ज़रूर आएगा second child के बाद. It can be positive, it can be negative as well depending upon where is the 7th lord placed. What who is aspecting the 7th house, that depends. But हाँ कोई ना कोई change ज़रूर आता है with the second child. In everyone's life, in fact, everyone's life. तो अगर जैसे 7th house में you have, you can even have the sign of cancer in the 7th house. Oh my gosh, मैंने अपना camera हिला दिया. So yeah, as I was saying, कि if you have, wait, yeah, if you have, let's say the sign of cancer in the 7th house, so it can show के your after having the second child suddenly जो आपकी savings है वो increase होनी शुरू हो जाएगी, money यानी कि ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और savings बहुत ज़्यादा increase हो जाएगी. This will happen. Stability life में आनी शुरू हो जाएगी. आप अपने सेकेंड चाइल्ड को ज़्यादा वैल्यू कर सकते हो अपने फर्स्ट चाइल्ड से. ऑल दो हाँ ये ज़रूर होता है अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, बट इंटरनली समहाउ यू विल यू कैन गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द सेकेंड चाइल्ड इंटरनली. बट होना यही चाहिए कि हम इक्वली दोनों को ट्रीट करें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सो या दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग. एंड इवन लाइक with the number 7 here, I feel number 7 कुछ prominent हो सकता है आपके लिए pile number 2. Maybe your child is born on the 7th of some month, या फिर you can have a child when you're 27 or 37, or number 7 again can become important in your life somehow. Especially in your children's life, number 7 can become important. Alright, pile number 2. So this was the reading for you. Do let me know what you feel about your reading and how it resonates with you. And if you're interested in personal, let me know what you feel about this reading. Do write angel blessing in the comment section below. Also, let me know how it resonates with you astrologically. And if you already have children, so how this reading resonates with your children. And also, like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 9 of wheels hai. Let's get started with your reading. So sabse pehle to hum aapke liye cards yahan par pull out karenge. What are your thoughts about your children? And what do you think about being a parent? So aapke yahan par kya views hain? Pile number 3. क्या आपकी डेस्टिनी में है एज अ पेरेंट? ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ वांड्स. यू आर दैट एंथुजियास्टिक मदर और फादर. आई टेल यू दैट लाइक यू गाइस. इसको थोड़ा और मैं इलैबोरेट करके बताऊंगी. सो वी हैव द फाइव ऑफ वांड्स एज वेल. Okay. Then we have the Page of Cups. Pile number 3. Take a chill pill about parenting. All right. Zyada hi books padke, zyada hi dusron ki salah lekar, yahan par aap tension stress mein aa jaoge. So don't do that with yourself. So we have the Queen of Wands here first. You are going to be extremely excited about having kids. Maybe, ho sakta hai, aap, when you were a child or when you were a teenager, early in life you wanted children. Like,
इट कैन बी आइदर कि आपको बिल्कुल भी चिल्ड्रन नहीं चाहिए थे, या फिर आपको बहुत ये था कि आई वॉन्ट चिल्ड्रन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन चिल्ड्रन, मतलब इन दोनों का एक्सट्रीम होगा. एंड वेन इट्स द टाइम टू हैव चिल्ड्रन, यू आर गोना बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी. एंड यू विल बी लाइक ओ माई गॉश, लाइक जैसे कुछ होते हैं ना पेरेंट्स जो बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं, तो यू विल डू दैट. And you will really enjoy being a parent. आप जैसे हर वो चीज़ enjoy करोगे अपने बच्चे के साथ, जो again like अपना बचपन जीना अपने बच्चे के साथ. Basically you will live your childhood with your child. That will happen. चाहे वो coloring हो, चाहे वो कोई और sports adventure हो, sports practice हो, like you will be there. चाहे वो आप अपने you can actually teach your child how to ride a bicycle. मतलब सारी जो चीज़ें, चाहे वो painting है, चाहे वो कुछ भी है, you are going to be present and you are going to do that with them. तो एक तरह से it's going to be extremely therapeutic. Children are extremely therapeutic. But you will love your child. You will love your child. और आप उनके लिए जो है बेस्ट से बेस्ट आर्ट सप्लाई लेकर आओगे, बेस्ट से बेस्ट स्टेशनरी लेकर आओगे. और ऐसा हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड में वो बेस्ट से बेस्ट स्टेशनरी चाहते थे, बट बिकॉज इट वॉज अ बिट एक्सपेंसिव, और एंड अगेन योर पेरेंट्स डिडंट बॉट दोज थिंग्स फॉर यू, तो यू आर लाइक कि नहीं, मैं अपने बच्चे को हर चीज़ दूंगी जो मेरे पास नहीं थी. तो यू विल डू दैट. यू कैन स्पॉइल योर चाइल्ड हेयर, बट वट एवर इट इज, गिविंग योर चाइल्ड एवरीथिंग डज नॉट मीन दैट यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड. तो इनफैक्ट आप अपने चाइल्ड को अर्ली एज पर फोन भी दे सकते हो. That can even happen. और हो सकता है कि दूसरे लोग आपको इस चीज़ के लिए जज भी करें, लाइक यू योर फैमिली मेम्बर्स और मे बी आपके आसपास के जो लोग हैं, मे बी अदर पेरेंट्स जो आप ही के जिनके बच्चे आप जितने ही हैं, वो आपको थोड़ा जज करें, वो आपको थोड़ा क्रिटिसाइज करें आपके डिसीजन से कि आपने अपने बच्चे को आईपैड दिया या फ़ोन दिया एट सच एन अर्ली एज. But like you want to give them everything, you want to give them the world, you want to give your child the world. Ye cheez hai. And you may even try to read parenting books etc. But ya fir aap dusre logo se bina mange dusre log aapko salah dete hai ki kaise bacche ko palte hai etc. And you in your head you're going to be like, mujhe chahiye nahi salah, main apne bacche ko jaise marzi palu, mera bachcha hai, aapko kya. So like this can happen a lot. दूसरे लोगों की एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको पसंद नहीं, दैट कैन बी सीन हेयर. एंड विद द पेज ऑफ कप्स, अगेन यू वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम विद योर चाइल्ड, यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू हैव अ गुड टाइम विद यू. और आप वो हर गॉसिप या फिर हर वो चीज़ उसको बताते हो जो आपके मन में चल रही होती है. यू ऑलवेज आर स्पिलिंग सम टी टू योर चाइल्ड, मतलब कुछ ना कुछ अपने बच्चे को बताते रहना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लाइक यू ऑलवेज शेयर दोज थिंग्स विद योर चाइल्ड. एक तरह से यू ट्रीट योर चाइल्ड एज अ फ्रेंड. एंड अगेन पॉइंट नंबर 3, ये कोई पेरेंटिंग 101 वीडियो नहीं है. पेरेंटिंग मुझसे ज़्यादा आपको आएगी, आप उसमें बेस्ट हो सकते हो. इट जस्ट दैट जो यहाँ पर कार्ड्स आर, आई एम जस्ट रीडिंग दोज कार्ड्स. बट यू आर एक्चुअली अ चिल बट ऑफकोर्स ओवरली इंथुजियास्टिक पेरेंट एज वेल. एंड आप अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहते, जैसे लाइक यू वॉन्ट के लाइक एक होता है ना कि तुम लड़के हो तो तुम्हें नहीं रोना, तुम लड़के हो तुम नेल पॉलिश नहीं लगा सकते हो, तुम लड़की हो तुम जोर से नहीं बोल सकते हो. तो लाइक ये जो कुछ जेंडर रोल्स है, जेंडर के रूल्स और रेगुलेशंस है, यू डोंट वॉन्ट योर चाइल्ड टू ग्रो इन दोज रूल्स एंड रेगुलेशन. हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो इन चीज़ों से बहुत अगेंस्ट हो, या इन चीज़ों के फेवर में भी हो सकता है, बट वट एवर इट इज़, यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू देम सेल्व्स एक्सप्लोर कि वो क्या बनना चाहते हैं. लाइक यू गिव योर चाइल्ड दैट फ्रीडम. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो पॉइंट नंबर 3 जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. लाइक यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू एक्सप्लोर, यू डोंट वॉन्ट योर चाइल्ड टू stick to the things जो आपने अपने child के लिए decide करी है. You want your child to explore the world, to explore themselves. तो
So that can be seen here. You give your child the freedom you always wanted. वो जो freedom शुरू से चाहिए थी वो आपको जो नहीं मिली थी freedom, you will give that freedom to your child. That can be seen. यहाँ पर कितने like how many children you will have? Okay. With the page of one child. It's actually just, you know, one. Especially जैसे blue card भी है, blue again is Saturn. Saturn is also, you know, Saturn does, like Saturn did had siblings, but Saturn still felt कि वो जो siblings है वो मेरे siblings नहीं है, क्योंकि वो siblings वाला support Saturn को कभी मिला ही नहीं, चाहे यामा से चाहे यामी से, कभी नहीं मिला वो support. So somehow with the page of pentacles again, it shows that you can have a single child. And yes, it's also, मतलब आपका जो decision है एक single child का, वो ये भी हो सकता है money. That again, children are expensive. Definitely, they are expensive. So you're like, कि मैं एक बच्चा ही ठीक से पालूँ वही बात है. ज़्यादा quantity matter नहीं करती, quality matter करती है in children as well. So you're like, I just want one child, और मैं उसके साथ ही जो है, like I want to give them the world. I am able to just afford one. मैं एक को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ. तो like this is the mindset you will have while having a child. With the page of pentacles, I also feel के you are also a learning mom or you are also a learning dad. तो you are not someone जो experienced है for sure. तो you are also learning parenting. You're learning your life lessons with your child. That can be seen. यहाँ पर आपके child के nature के बारे में कुछ और चीज़ें हमें पता चले. Child का nature, pile number 3 के child का nature. Okay, so we have the 10 of Wands here. All right, we have the 10 of Swords. Okay, फिर एक और कार्ड भी हम पुल आउट करेंगे. We have the Ace of Wands. All right, तो सबसे पहले Ace of Wands के बारे में बात करते हैं. So Ace of Wands here shows that your child is going to be extremely expressive. Your child is going to be extremely creative. आपके child को painting, art, designing, music, कुछ ना कुछ ही artistic चीज़ें करना पसंद होगा. और एक कोई artistic चीज़ में वो महारत भी हासिल कर सकते हैं. मतलब वो masters या PhD करें music में, या कोई fine arts etc. इन चीज़ों में करें. That can happen. But extremely creative, extremely talented आपके जो है child होने वाले हैं. I also feel के जो आपके child है, they are the people जो दूसरों के expectations के बोझ के नीचे नहीं कभी दबेंगे. कहीं ना कहीं आपने उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी करी, या फिर वो पास्ट लाइफ से संस्कार लेकर आ रहे हैं अपने अंदर, आपके चाइल्ड की सोल ये संस्कार लेकर आ रही है कि मैंने कुछ हो जाए, दूसरे लोग कुछ भी कहते रहें, या दूसरों की कोई भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस हो, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस, मैंने अपनी लाइफ को जीना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है. जो मेरा मन करेगा मैं वो चीज़ करूँगा. इस वजह से भी, इस संस्कार की वजह से भी आपके चाइल्ड आपके घर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपका और उनका ये संस्कार बड़ा मिलता है एक दूसरे से. दैट्स व्हाई दे आर बॉर्न टू यू. आप में भी ये संस्कार है पाइल नंबर 3, कि आप भी एज यू ग्रो एंड मैच्योर यू विल अंडरस्टैंड कि मैं दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती रहेगी, एंड मैंने कभी अपनी खुशी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करा. एंड देन यू विल स्टार्ट टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ. जब आप वो चीज़ें करने लग जाते हो तो आप देखते हो कि मुझे उससे बड़ी खुशी मिल रही है. एंड देन यू नो हैव अ पार्टनर, यू हैव अ लाइफ पार्टनर, एंड देन यू आर लाइक लेट्स स्टार्ट अ फैमिली. एंड देन यू हैव दिस काइंड ऑफ चाइल्ड जो आप जैसा है, आप जैसी नेचर वाला है, जो अपने ऊपर, जो अपनी खुशी पर, जो अपने लाइफ से एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने में लगा हुआ है, ना कि दूसरों की, दूसरों के एक्सपेक्टेशन या दूसरों की खुशी का आपके चाइल्ड ने ठेका नहीं उठाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है, इसको हम गुड चीज़ में गिनेंगे. देन वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विच शोज जो आपके चाइल्ड हैं, अगेन दे हैव दिस पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा बैक स्टैबिंग मिली, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट करा और वो ट्रस्ट टूट गया उनका. और अगेन लाइक they know somehow your child in the past life had snake-like people. Snake-like people वो होते हैं जो पीछे से वार करते हैं, या
यू नो थाली में छेद करते हैं, छुरा भोंकते हैं पीछे से, लाइक दोस काइंड ऑफ पीपल आपके चाइल्ड ने उनसे डील करा अपनी पास्ट लाइफ में. तो इस लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में आपके चाइल्ड ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहता है. और आपके चाइल्ड की जो परख शक्ति है, यानी परखने की शक्ति, क्या सही है क्या गलत है, ये पर्सन ठीक है या गलत है, वो परख शक्ति भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. ऐसा हो सकता है आपका चाइल्ड अर्ली ऑन अपनी लाइफ में एक्सप्रेस ना कर पाए कि क्यों ये पर्सन सही है और वो पर्सन क्यों गलत है. वो लॉजिकली शायद एक्सप्रेस ना कर पाए अर्ली ऑन इन लाइफ, पर वो जो डिसीजन जो है आपके चाइल्ड लेते हैं, या जो परख कर आपको आपके चाइल्ड कोई चीज़ बताते हैं, वो सही होती है फिर भी. एंड एज दे ग्रो एंड मेच्योर इन देयर लाइफ, आपको लॉजिकल आंसर्स भी देना शुरू करेंगे कि क्यों ये चीज़ सही है और वो गलत क्यों है. तो परख शक्ति बहुत स्ट्रांग है. जिसकी परख शक्ति स्ट्रांग होती है, उसका मतलब उस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो ये उस दूसरे पर्सन के या दूसरी चीज़ के प्रभाव में ना आए. मतलब जैसे जो चांदी होती है, रियल चांदी काली हो जाती है, पर एक और चांदी होती है जो थोड़ा रियल नहीं होती, उसके अंदर मिलावट होती है, वो चांदी काली नहीं पड़ती है. पर रियल चांदी जो होती है वो काली पड़ती है. तो उसी तरह अगेन वो जो चांदी चमक रही है, एक तो चमकदार है बहुत ज़्यादा और एक चमक नहीं रही है. तो आपके चाइल्ड को पता है कि कौन सी चांदी रियल है, कौन सा सिल्वर रियल है और कौन सा रियल नहीं है. उसके अट्रैक्शन में नहीं आती उस चमकदार झूठी सिल्वर के उस पे नहीं जाते आपके चाइल्ड. आपके चाइल्ड को पता है कि क्या रियल है और क्या फेक है. चाहे वो रियल चीज़ थोड़ा कम चमक रही है पर वो रियल है. तो आपके चाइल्ड को ये पता होगा. मतलब दूसरे के प्रभाव में नहीं आती, प्रभाव में नहीं आता आपका चाइल्ड. दैट समथिंग इज वी कैन सी. सो अगेन आपके चाइल्ड ने काफ़ी सारे बैक स्टैबिंग देखी है अपने साथ, खुद के साथ इन द पास्ट लाइफ. तो उनको लोगों की तो परख शक्ति ऑटोमेटिक अब है इन दिस लाइफ टाइम. दे नो कि कौन सा पर्सन उनके हमेशा साथ रहेगा, कौन सा उनका साथ हाथ छोड़ जाएगा. तो परख शक्ति तो बहुत स्ट्रांग है. एंड अगेन एक्सट्रीमली क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले आपके चाइल्ड है. आउट ऑफ द बॉक्स. यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपके चाइल्ड के बारे में, कुछ और यू नो क्वालिटीज एंड थिंग्स पाइल नंबर 3 के चाइल्ड के बारे में. ओके सो वी हैव द प्रिंस हियर. इट सेज रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर. शैडो एट्रीब्यूट्स है यूजिंग पावर फॉर सेल्फ aggrandizement. Okay, I'm not good at pronouncing terms, so sorry. तो यहाँ पर with the prince card, I do feel that they will, of course, हम democracy में रहते हैं, so they can actually work in government. Pile number 3, your child can actually work in government. That can happen here. या फिर एक ऐसी जगह पर वो काम करेंगे जहाँ पर वो CEO लेवल पर हों, वो फाउंडर हो किसी कंपनी, किसी चीज़ के. दे आर द फाउंडर और दे आर द CEO ऑफ सम कंपनी, सम प्राइवेट कंपनी, सम कॉरपोरेशन, या फिर दे आर हाई अप इन अ गवर्नमेंट. दे हैव द सीट ऑफ पावर इन गवर्नमेंट. दैट कैन हैपन. आपके चाइल्ड के काफ़ी कनेक्शंस है अथॉरिटीज़ के साथ, गवर्नमेंट, हाई अप गवर्नमेंट पे जो लोग हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन है गवर्नमेंट में, उनके साथ आपके चाइल्ड के कनेक्शंस होंगे. दैट कैन बी सीन हियर. आपके चाइल्ड में रॉयल मैनर्स भी हैं. रॉयल मैनर्स जैसे कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो हम उनको नमस्ते बोलते हैं, हम उनको ग्रीट करते हैं, राइट. तो ये कुछ मैनर्स होते हैं. तो ये रॉयल मैनर्स जो है आपके चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिक होंगे. मतलब आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनमें ये रॉयल मैनर्स होंगे. जो आपके अंदर भी मैनर नहीं है और आप डेवलप करना चाहते हो, वो ऑलरेडी आपके चाइल्ड के अंदर डेवलप्ड होंगे ऑलरेडी. देन वी हैव गॉसिप कार्ड. इट सेज आई यूज दिस गॉसिप टर्म, राइट. मैंने ये कहा था दैट यू आर ऑलवेज स्पिलिंग सम टी टू योर चाइल्ड. यू आर ऑलवेज टॉकिंग टू योर चाइल्ड कि ऐसा हुआ, इस रिलेटिव ने ऐसा कहा, उस रिलेटिव ने ऐसा कहा, तुम्हें पता तुम्हारी बुआ ऐसी है, तुम्हारे ये ऐसे है. लाइक यू कैन से दीज, लाइक दीज थिंग्स अ लॉट, बिकॉज आई फील पाइल नंबर 3 आप ओवर शेयर करते हो, स्पेशली अपने चाइल्ड के साथ करते हो.
एंड स्पेशली गॉसिपिंग इज नॉट रियली अ गुड थिंग टू डू. तो अगेन आई एम नॉट हेयर टू टीच यू पेरेंटिंग, बट येस गॉसिपिंग ठीक नहीं है, नेगेटिव एट्रीब्यूट है. सो वी हैव अवेकन्स कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स, ऑनरिंग ट्रस्ट. देन वी हैव द शैडो एट्रीब्यूट्स. ये लिटरली आप और आपके चाइल्ड हो. आपकी फोटो आ गई है, पाइल नंबर 3 फोटो खिंच चुकी है फ्यूचर की. So it says thrives on this power of passing on private or secret information, betraying confidences. तो ये तो फ्यूचर की फोटो आ गई है, इसको ज़रा ठीक से, मतलब ये गॉसिप की आदत, पर चिंतन की आदत ठीक नहीं. पर चिंतन होता है पर यानी दूसरा, उसका चिंतन, स्वचिंतन करो यानी अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ना कि दूसरों के बारे में बात करके अपना समय बिता दो. और परचिंतन, गॉसिप यानी करना पतन की जड़ है, डिस्ट्रक्शन की जड़ है. कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़राब करती है. अगेन ये ख़राब इस वे से भी कर सकती है, आप किसी की बुरी बात अपने चाइल्ड को बता रहे हो तो आपके चाइल्ड के मन में उस रिलेटिव के लिए या उस पर्सन के लिए बुरी भावना जागेगी और वो उनका आज का कर्म खराब करेगी. आज का थॉट, आज का बोल जो है वो खराब होगा. और अगेन कर्मों की गुह्य गति कुछ ऐसी है कि जहाँ पर आपने गलत करा तो उसका रिजल्ट आपको देना है, उसका रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा. फिर बैड रिजल्ट, बुरा करा तो बुरा रिजल्ट आएगा ना, बुरा कहा तो बुरा सुनना भी पड़ेगा कल को. क्योंकि एक जो है आपने बोला, आपने एक गलानी करी तो दूसरा आपकी 10 करेगा गलानी. तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रांग हो जाएगा. तो ज़रा गॉसिप पर, अपने बोल चाल पर ध्यान देना, ये गाइडेंस है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए गाइडेंस है. सो दैट्स देयर. बट ऑल्सो वन मोर थिंग आई फील विद द गॉसिप कार्ड इज़ दैट कि आपके चाइल्ड जो है, जो आप उनको बातें सुनाते हैं, अगर कुछ नेगेटिव बातें हैं तो वो अपने तक रखते हैं, वो दूसरे को नहीं बताते हैं. पर कहीं ना कहीं आप अपने चाइल्ड को वो ओवर शेयर करो जो अगेन अच्छी बात तो नहीं है. अच्छी अच्छी बातें ज़रूर करो, बुरी बातें नहीं करनी. फिर यहाँ पर है, वी हैव द फेदर कार्ड. इट सेज थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज. सो ये आपके लिए भी मैसेज है, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज. एंड ऑल्सो आई फील दैट योर चाइल्ड ऑलवेज विल थिंक बिफोर डूइंग, लाइक बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन. आपके जो चाइल्ड है उनके अंदर एक ये एबिलिटी है, या अगेन एक सेट्रेनियन ट्रेड है उनके अंदर ये, कि आपके चाइल्ड, आप चाहे जितना मर्जी बुरी या अच्छी बातें कर लो किसी के बारे में, जब तक आपके चाइल्ड ने सच में उस पर्सन को नहीं देखा है तब तक आपके चाइल्ड किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है. जैसे दो लोगों की लड़ाई हो गई, आप वो लड़ाई आप अपने चाइल्ड को बता रहे हो कि तुम्हें पता है कि उन दोनों की लड़ाई हो गई, तो आपके चाइल्ड कोई डिसीजन, आप अपने चाइल्ड से पूछते हो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सही और कौन गलत है, तो आपके चाइल्ड किसी का भी साइड नहीं लेंगे. वो कहेंगे कि मैं जब तक दोनों की बात नहीं सुनूंगा मैं तब तक क्या डिसीजन लूँ, मैं तब तक क्या सही और गलत का फैसला लूँ, और मैं होता कौन हूँ फैसला लेने वाला उनके लिए. सो लाइक योर चाइल्ड विल बी अ न्यूट्रल पर्सन दैट कैन बी सीन, ही और शी, दे आर मोर वाइजर देन यू, पाइल नंबर 3 समहाउ. एंड कहीं ना कहीं वो आपके पेरेंट ना बन जाए, दैट कैन हैपन. फिर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो आपका जो फिफ्थ हाउस है, आपके चिल्ड्रन आपके फिफ्थ हाउस से देखे जाएंगे पाइल नंबर 3. तो आपके चार्ट में साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर साइन ऑफ एक्वेरियस कैन बी इन द फिफ्थ हाउस ऑफ चिल्ड्रन. यू कैन बी अ वर्गो असेंडेंट, वर्गो राइजिंग पर्सन पाइल नंबर 3, या फिर आपका सन मून राइजिंग कैन बी इन वर्गो इन द नक्षत्र लाइक उत्तर फाल्गुनी हास्ता चित्रा. बट या साइन फिफ्थ हाउस में सेट्रेनियन साइंस हो सकते हैं जैसे कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस. आपके D9 चार्ट में या फिर D12 चार्ट में ये प्लेसमेंट भी हो सकती है, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन फिफ्थ हाउस में हो, वर्गो असेंडेंट हो, इन द D1 इन द और या फिर इन द D12 या फिर इन द D9, दैट कैन हैपन आपके चाइल्ड के केस में. और वन मोर थिंग, लाइक इन योर चार्ट पाइल नंबर 3 आपका पुत्रकार का कैन बी सैटर्न. पुत्रकार का होता है द प्लैनेट होल्डिंग द फिफ्थ हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. पुत्रकार का मीन्स पुत्र को सिग्निफाई करने वाला, चाइल्ड सिग्निफिकेटर, फिफ्थ हाइएस्ट डिग्री. जो आपके चाइल्ड हैं उनके चार्ट में, आपके बच्चे के चार्ट में
सैटर्न कैन बी इन देयर आत्मा कारका, या फिर वो केप्रिकॉन या एक्वेरियस राइजिंग है, उनका सन मून राइजिंग आत्मा कारका, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट कैन बी इन एक्वेरियस और केप्रिकॉन. उनका जो है सन मून राइजिंग कैन बी इन द नक्षत्रज लाइक श्रावण, धनिष्ठा, उत्तरा, अषाढ़ा, सतभिषाक, पूर्वा, भद्रपदा. इवन पुष्या नक्षत्र कैन बी डोमिनेटिंग इन योर चाइल्ड चार्ट, या फिर उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र कैन इवन बी डोमिनेटिंग इन योर चाइल्ड चार्ट. तो साइन ऑफ कैंसर और साइन ऑफ पाइसिस कैन इवन बी डोमिनेटिंग इन योर चाइल्ड चार्ट. तो ये भी है. इवन आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है आपके चार्ट में, पाइल नंबर थ्री आपके चार्ट में, आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो साइन ऑफ एक्वेरियस या केप्रिकॉर्न में हो सकता है, वो या फिर कैंसर या पाइसिस में हो सकता है, इन नक्षत्रज में हो सकता है. दैट कैन हैपन. ऑल राइट, सो दैट वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर थ्री. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली, एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ पेरेंट देन हाउ डज इट रेजोनेट विद योर चाइल्ड, हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद योर चाइल्ड्स नेचर. डू लेट मी नो. ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड आई ऑल्सो फील नंबर 26 कैन बी समहाउ प्रोमिनेंट, लाइक it can happen, you become a mother, you become a father at the age of 26, that can happen. Ya fir aapke jo children hai unka date of birth is 26th of some month, but number 26 does become important for you, for your child. And it can even happen ki jo aapka child hai unka jo roll number hai school ka, it can be 26, that can even happen. So yeah, like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye, be positive, stay happy.